धन्यवाद रंजना। और जैसा कि हमारे बीच मंगेशकर शरण सिंह स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूद हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले राजनीति से जुड़ी ही चर्चा होती है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके पास मैसेज आया कि अलर्ट मैसेज आया कि उनकी उनके फोन को टैप किया जा रहा है। आखिर इस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में कहती क्या है? सबसे पहले तो मैं उनको ये सुझाव दूंगा कि एक FIR लॉन्च करा दें। हुई तो थी उनके एक कार्यकर्ता पे, वो चले गए थे PHQ नहीं, नहीं वो खुद अगर उनका फोन टैप हो रहा है तो FIR लॉन्च करा दें। जांच होगी, जांच पता लग जाएगा कौन टैप करा रहा है। इसके अलावा जिन नेताओं के नाम आ रहे हैं मैं उन सबको ये सुझाव दूंगा कि FIR लॉन्च करा दें। जांच होगी, जांच पता लग जाएगा टैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि जैसे आम जनमानस के लिए प्रणाली है वैसे उनके लिए भी। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में सबके पास समान अधिकार है, कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन उन्हें लगता है कि वो स्पेशल है। अब चांदी के चम्मच से खाने की आदत पड़ गई है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। चांदी का चम्मच तो छिन गया है 14 से लेकर अगर बात करें 14-17, लेकिन अभी दिमाग से उतरा नहीं है। अभी भी उन्हें लगता है कि वो है कुछ। कार्य व्यवहार से तो मुझे यही लगता है। हालांकि पीडीए की बात कर रहे हैं वो लगातार, और आप लोग सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं ऐसे। हाँ, पीडीए क्या है मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया। कहते अब पीडीए के बाद अब एक कल ही एक नया ए का निकल आया है। अब ये हर रोज अगर बदलता रहेगा तो मेरी समझ से परे है। और जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो सबका साथ सबका सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो पिछले कई चुनावों से, चार चुनावों से जो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मैंडेट दिया है जी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी को जनता के उस मैंडेट के अपमान करने की आवश्यकता है और ना अपमान करना चाहिए। और फिर अभी 2024 में चुनाव आ रहा है, अपने आप पता लग जाए। हमारे यहाँ देहात में कहावत है नाऊ नाऊ कितने बार, कहीं बस अभी छील देते हैं, अभी पता लग जाएगा कितने बार गिन लीजिए तो 24 पे पता लग जाएगा। एक सवाल है, जाति जनगणना को लेकर बहुत जोर आजमाइश की जा रही है, जरूरत है क्या? बिहार से ये शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में बहुत सबसे बड़ी चीज ये है कि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस भी सत्ता में रही है, समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रही है, बसपा भी सत्ता में रही है। 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई, तो अगर जरूरत थी तो जब आप सत्ता में थे क्यों नहीं करा दिया आपने? और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है 2024 के चुनाव हो जाए उसके बाद जनगणना होनी ही है। वैसे ही विलंब चल रहा है, कोविड के कारण से विलंब हुआ 2 वर्षों का। फिर सरकार ने भी सोचा कि अब चुनाव हो जाए तभी, क्योंकि अगर अभी से हम जनगणना शुरू कर दे तो फिर अपना विपक्ष आरोप लगाएगा कि ये ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा नहीं वैसा है। तो अब आप इसका सीधा सा उदाहरण देख लें जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हुआ। अब अगर इसमें इनको विरोध करना था तो उसके पक्ष में मतदान क्यों किया? अगर उन्हें अधिनियम पसंद नहीं था तो पक्ष में मतदान क्यों किया? भाई लोकसभा में केवल एक व्यक्ति ने विरोध में मतदान किया, राज्यसभा ने किसी ने नहीं किया। अब मतदान कर दिया, पास हो गया, तो अब ये कहने लगे कि ये अभी से क्यों नहीं लागू हो रहा है। अब अभी से अगर लागू कर दिया होता और मान लीजिए अमेठी जो है हमारी किसी महिला बहन के लिए आरक्षित हो जाती तो कहते कि हमको लड़ने नहीं दिया जा रहा है, तो चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये कहाँ तक चलेगा? जनता के ऊपर छोड़ दिया, आप जिसको जिताइए। आने वाली सरकार परसीमन आयोग बनाएगी, परसीमन आयोग में अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, सभी पार्टियों के नुमाइंदे उसमें शामिल होते हैं, परसीमन होना है, विधानसभाओं का भी परसीमन होना है, लोकसभा का भी परसीमन होना है, सीटें भी बढ़नी है और उनका आरक्षण भी होना है। तो जो काम जिसका है
हम संविधान के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, संवैधानिक रूप से जो कार्य परिसीमन आयोग का है वो काम परिसीमन आयोग करे। अब वो ये चाहते थे कि सरकार करे वो काम, सरकार क्यों करे वो काम? उन्हें लगता है कि सरकार ही सब कर रही है, इसलिए संविधान खतरे में है। अब फिर वे अब कैसे संविधान खतरे में है? मेरे ख्याल से जितने भी संविधान, अब आप अभी आप केजरीवाल जी का ही ले लीजिए, उनके जितने मंत्री इस समय जेल में हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं। एक जने तो करीब 1.25 साल से ऊपर हो गया जेल में, किसी भी कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी। एक उप मुख्यमंत्री जी 6 महीने से ज़्यादा हो गया उनको, सुप्रीम कोर्ट तक ने उनका बेल खारिज कर दी कल। इसमें कांग्रेस बहुत मुखर है कि CBI और ED का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब आप भ्रष्टाचार करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर हम कार्रवाई करेंगे तो कार्रवाई तो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कार्रवाई में भ्रष्टाचार चाहे जिस स्तर पे हो, चाहे जो करे और चाहे मैं करूं, तो मैं भी जेल जाऊंगा। इसी से याद आया कि आज कैबिनेट की बैठक हुई, जवाहर विश्वविद्यालय को जो जमीन सरकार की तरफ से दी गई थी वो वापस ले ली गई। अब निश्चित तौर पे उस समय के जो अधिकारी थे उन्होंने बाकायदा नोटिंग की थी कि ये काम नहीं कर सकते हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी जबरियन किस दबाव में वो दी गई थी, वो एक विद्यालय की जमीन थी और उस विद्यालय की जमीन को जौहर यूनिवर्सिटी को दे दी गई थी। अब इसको जो पलटा गया है पूरी तरह से संवैधानिक है। अगर उनको ये असंवैधानिक लगता है तो कोर्ट है, कोर्ट जाए। और इसके पीछे वजह ये बताई जाती है कि आजम खां मुस्लिम है, इसलिए परेशान किया जा रहा। अब मुझे हर चीज में इस एंगल को ले आना, और अगर कोई मुस्लिम है और वो आतंकवादी है या भ्रष्टाचारी है तो खाली मुस्लिम है इसलिए उसको छोड़ देना, मुझे ये गलत लगता है। पेश तो यही किया जा रहा है, तो करें, लेकिन जनता क्या मान रही है? आज उत्तर प्रदेश में परसेप्शन जनता का क्या है? जिस प्रकार से पिछले 6 सालों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से बेहतर बनाया है, इसका सर्टिफिकेट हमको उनसे नहीं लेना है। इसका सर्टिफिकेट हमको जनता दे रही है और जनता पूरी तरीके से इस सर्टिफिकेट पे करोड़ों लोगों ने मोहर लगाई है। कानून यानी कि कानून व्यवस्था बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं, मेरे ख्याल से उस समय से हजारों गुना बेहतर है। किस समय की बात कर रहे हैं? बस 17 के पहले का उससे बेहतर हो गई है निश्चित तौर पर। सवाल आपके विभाग को लेकर है, माताओं के लिए हालांकि और बच्चों के लिए रेशियो इस सरकार ने हालांकि कम किया है, प्रेगनेंसी के दौरान जो दर होती है वो बेहतर हो और कहीं कोई दिक्कत ना हो। लगातार CM भी कई कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए, क्या कुछ और बेहतर करने की कोशिश हो रही है? देखिए, दो इस समय प्रमुख चीज़ें, एक तो कई बार ये देखा जाए क्रिटिकल केयर की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे यहाँ पे जैसा भी रीता जी ने भी इसके पहले कहा कि एक तरीके से उत्तर प्रदेश हब बनता जा रहा है मेडिकल में, और बाहर के लोग तो आप छोड़ दीजिए, विदेश के लोग तो छोड़ दीजिए आप, अपने देश में ही, भारत में ही, खासकर झारखंड है आपका, बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इस तरफ का बहुत सारा आदमी हमारे यहाँ आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारे छोटे PHC हैं, CHCs हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, विभिन्न प्रकार के और अस्पताल हैं और मेडिकल एजुकेशन के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, एक दिन में हमारी OPD लगभग 42 लाख की है, 42 लाख मरीज हम रोज़ देख रहे हैं। अब ये ज़रूर है कि बहुत बड़ा प्रदेश है, जनसंख्या में बहुत बड़ा है और बाहर के प्रदेश के लोग भी आ रहे हैं। क्रिटिकल केयर में हम लोग अब हर जनपद में, किसी जनपद में 50 बेड का, किसी जनपद में 100 बेड के, 74 हम लोग क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ पहले फेज में 100 आकांक्षी ब्लॉक जो हमारे हैं उत्तर प्रदेश में, उन 100 आकांक्षी ब्लॉकों में हर ब्लॉक में एक जो विभिन्न तरह के, लगभग 150 तरह के टेस्ट का हम लोग वहाँ पर लैब बनाने जा रहे हैं, जिसमें 150 तरह के टेस्ट फ्री होंगे
और उसके बाद ये हमको बढ़ा के हम उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में बना देने हैं। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है स्वास्थ्य विभाग में इन्वेस्टिगेशन, तो हर ब्लॉक लेवल पे हम एक इन्वेस्टिगेशन की वो बनाए दे रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे हर ब्लॉक में ही हो जाए, आपको शहर दबाना पड़े। और लगभग 150 तरह की ऐसी जाँचें हैं जो सबके लिए फ्री, सबके लिए फ्री, जो भी वहाँ पे आएगा उसकी 150 तरह की जाँचें टोटल फ्री। अब उसके बाद उनको हम वहीं से सलाह भी देंगे कि कहाँ पे आपको जाना है, कैसे जाना है। लगभग हर ग्राम सभा में हमारा एक सीएचओ भी काम करने लगा, वेलनेस सेंटर भी लगभग 80% बनके तैयार हो गए हैं, 20% में काम चल रहा है। इस 80% में लगभग 70% पे सीएचओ काम करना भी शुरू कर दिए हैं, सारी कंप्यूटराइज वहाँ पे व्यवस्था हो गई है। एक ग्राम सभा का, प्रत्येक ग्राम की बात मैं कर रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति आता है वहाँ पे हमारे वेलनेस सेंटर पे, उसकी एक पैनल हर जिले में बना हुआ है, सीधे उसकी डॉक्टर से बात कराएंगे, जो भी उसको तकलीफ होगी, जो भी उसको बीमारी होगी, वहीं से उसका इलाज हो जाएगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है गाँव पर। जो थोड़ा अगर कुछ बड़ी बीमारी होगी तो उसको वहाँ पे ये सुझाव दिया जाएगा कि आप इस जगह चले जाइए, इस जगह चले जाइए। तो एक तरीके से हम लोग की जो प्लानिंग है, लगभग आगे के 6 महीने में किसी भी व्यक्ति को उसके गांव में ही या उसके वार्ड में ही उसको सारी तरह के स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर कुछ बड़ी बीमारी हुई तो उसको जहां जहां जाना है उसको वहां पर सुझाव देके उसकी वहां पर सहायता करके वहां उसको भर्ती भी कराया जाएगा। हालांकि आप लोग कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीबों का उपचार हो रहा है, विपक्ष का कुछ और ही कहना रहता है। देखिए, आज की तारीख में हम लोग लगभग 4.25 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं, और हमारा इरादा है कि हम लोग 1 महीने के अंदर अंदर इसको 5 करोड़ की संख्या पार करा देंगे। भारत सरकार से हम लोग की बातचीत भी चल रही है। अभी जो जितने हमारे 2011 की जनगणना के आधार पर जो थे उनके उन सबका लगभग बन गया है, हमारे जो श्रम विभाग में जितने श्रमिक पंजीकृत हैं उनका भी बन गया है। अब इसके बाद हम लोग ने लिया कि जितने भी कार्ड बने हैं, जो सामान्य कार्ड जो बने हैं, उनमें से 6 से अधिक अगर उनके परिवार के हैं तो उन सब का कार्ड बन रहा है, तो ये 5 करोड़ तक में आ जाएंगे। अब इसके बाद जो 1 या 5 तक की जनसंख्या वाले कार्ड हैं उन सब पे भी बातचीत चल रही है। मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगभग इस पे सहमत हो गए हैं और माननीय केंद्रीय मंत्री भी लगभग सहमत हो गए हैं, इसको भी हम लोग जल्द से जल्द लागू करके जो बचे हुए हैं, लगभग हम लोग का इरादा है 7 करोड़ की हम लोग को कर लें। तो 7 करोड़ जब कार्ड बन जाएंगे तो लगभग एक आम जो अगर कैलकुलेशन आप करें तो एक परिवार में करीब करीब 5 सदस्य होते हैं, तो ये संख्या हमारी जो पूरे उत्तर प्रदेश की जो संख्या है करीब करीब सब लोग उससे आच्छादित हो जाएंगे। योजनाओं पर बात ना हो इसे लेकर कोशिश होती है विपक्ष की तरफ से कि वो बीच बीच में राम मंदिर का जिक्र करने लगता है, हिंदू देवी देवताओं का जिक्र करने लगता है, इसके अलावा सनातन की बात करने लगता है, उसे अपशब्द कहने लगता है, हिंदू एक धोखा है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है, ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ी जा रही है उस पर भी तमाम तरह के बयान आते हैं। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि एक रणनीति के तहत इस चीज़ों को लाया जा रहा है समाज के बीच में कि आप योजनाओं पर बात ना करें, लोग इस पर बात करने लगे। अगर मंदिर की बात हम करते हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम सांप्रदायिक हैं, शुरुआत वो करते हैं, तो मुझे तो ये कहने में गर्व है कि मैं सनातनी हिंदू हूँ और मंदिर में मेरी आस्था है और उस आस्था को कोई रोक नहीं सकता है और किसी के कहने पे मैं रोकूंगा भी नहीं। लेकिन अपमान बराबर हो रहा है। अब आप सबकी, उत्तर प्रदेश की जनता की कृपा से स्वास्थ्य विभाग मेरे पास है, आवे मैं उनका बढ़िया उपचार करा दूंगा, यही कह सकता हूँ। तो आगरा या फिर उनको दूसरे राज्य में भेजा जाएगा? अब आगरा तो उत्तर प्रदेश में ही है ना, अब तो जगह जगह लखनऊ में भी खुले हुए हैं, सब जगह खुले हुए हैं। लेकिन ये दिक्कत होती है, जय श्री राम ना बोलिए, अपने आप को समाजवादी बताते हुए एक खास के लिए ही क्यों इतनी दिलचस्पी रहती है? अब आप देखिए, यही विडंबना है। आप देखिए, अभी तक जो लोग भगवान राम के अस्तित्व को नकार रहे थे, अब वो कहने लगे हैं कि 22 तारीख को मंदिर का जो रामलला विराजने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उससे मुझे क्यों नहीं बुलाया जा रहा है?
अरे जब एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक ट्रस्ट बना है, वो ट्रस्ट जिसको बुलाना चाह रहा है बुला रहा है, और जब उस ट्रस्ट को लग रहा है कि आपको आपको विश्वास ही नहीं है भगवान राम के ऊपर, उस सेतु पर आपको विश्वास ही नहीं है, आपने एफिडेविट दिया है, तो जब आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर क्यों बुलाएं? इसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएम को नहीं जाना चाहिए इनॉग्रेशन के लिए। क्यों नहीं जा रही है? पीएम भी सनातनी है, क्यों नहीं जाना चाहिए? वो तो सबके पीएम है ना, सबके पीएम है, तो जो आस्था है उस आस्था में हम विश्वास करेंगे, और जिस चीज में हमें आस्था नहीं उस चीज में हम नहीं विश्वास करेंगे। यानी कि वो टोपी लगाया चल जाएगा, आप तिलक न लगाइए। क्यों क्यों हम क्यों टोपी क्यों लगाए? मुझे टोपी पे आस्था नहीं है, तो क्यों लगाए हम टोपी भाई? उन्हें उन्हें तिलक पर आस्था नहीं है तो ना लगाए तिलक, हमको जबरदस्ती उनके तिलक लगाने जा रहे हैं क्या? लेकिन फिर भी मंदिर जाते हैं वो। कौन? वही सब। अब ये चुनाव आने पे कोर्ट के ऊपर अगर जनेऊ पहन लेंगे तो उससे पंडित थोड़ा हो जाएंगे। गोत्र तो बताते हैं अपना। कौन? अमेठी के पूर्व सांसद। मैं अमेठी से ही विधानसभा का सदस्य हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। 15 साल वो रहे वहां के सांसद, और 15 साल में 10 साल उनके पास ऐसे थे कि कांग्रेस की सरकार थी। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, बड़ी मजेदार जी, हालांकि मिली जुली सरकार थी कांग्रेस की, लेकिन 10 साल लगातार जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो माननीय गडकरी जी हैं आज, वो कांग्रेस का ही था। और पहले एक केंद्र की योजना थी जिससे केंद्र जो है सड़कें बनाती थी, मेरे बगल में ही एक रामपुर खास विधानसभा है प्रतापगढ़ की, वहाँ से माननीय प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस के विधायक रहते थे, और आप वहाँ जाके देख लीजिए पूरे विधानसभा में आपको एक भी ऐसी सड़क नहीं मिलेगी जो सेंट्रल के पैसे से उस 10 साल में ना बनी हो, और पूरे अमेठी में। और मैं ये पूरे एक पैसा अगर उन 10 सालों में सिंगल पैसा केंद्र सरकार का अगर अमेठी लोकसभा में कहीं लगा हो, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा, मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। लगता है इस बार लड़ाई ऑथेंटिक में बता रहा हूं, उन 10 सालों में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कांग्रेस के ही थे। अगर ये चू बोल दिए होते राजकुमार महोदय, तो न जाने कितने करोड़ रुपए की सड़कें अमेठी लोकसभा में बन जाती। आप लोगों के मुताबिक सब राजकुमार ही है। अब क्या बताया जाए, देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो भी आगे बढ़ता है एक सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता भी राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकते हैं। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी साधारण सी कार्यकर्ता थी, आगे बढ़ते 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 मंत्री बनी, उसके बाद फिर आज राष्ट्रपति हो गई। लेकिन जो शुरू से ही प्रधानमंत्री के पद का लालसा या प्रधानमंत्री का पद मेरी खानदानी रवायत है, अगर ये मेरे दिमाग में घुसा हुआ है तो देश की जनता बदल गई है, भारत बदल गया है। भारत को अब विदेशी ताकतें जब आंख नहीं दिखा पा रही हैं तो ये घरेलू ताकतें क्या दिखा पाएंगी? हो सकता है कि वायनाड से लौटे फिर अमेठी और 24 की लड़ाई दिलचस्प। हाँ, लौटे लौटे मेरा मैं स्वागत करता हूँ उनका, आवे हमारे लिए तो आसान और हो जाएगा। पहले से ही हारा हुआ प्रत्याशी मान बैठे? हारे हैं ही है, पिछली बार तो हारे ही हैं 24 के लिए, और 24 में भी हारेंगे। इस बार एनडीए कैसे हो पाएगा 80 सीटों के लिए? देखिए एक तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, वो भरी हुई है। और अगर 2024 में ये लोग चुनाव लड़े तो मेरा सुझाव, देखिए मैं सुझाव देने में बिना मांगे मैं सुझाव तब से कई सारे दे डाले हैं जी, तो मेरा सुझाव ये है कि नेता प्रतिपक्ष कौन हो इसके लिए वो लोग चुनाव लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद विभाग तरीके से हर एक सवाल का जवाब देने के लिए माननीय मंत्री जी, और देखना होगा कि किस बेहतर तरीके से 24 की लड़ाई है, और साथ ही साथ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और आप लोग खुद कहते हैं गर्व से आप लोग कहते हैं कि सनातनी हूँ, और इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी होती क्योंकि ये राजनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद मंच शेयर करने के लिए मंत्री जी।